Hi everyone and welcome to 5 Paisa. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 आइडियाज के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आइडियाज आपके लिए एक तरह की पैसिव इनकम बन सकते हैं, मतलब आपको कम मेहनत से एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप आसानी से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। रीट बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर ऐसी प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं जो लगातार रेंटल इनकम देती है। फिर आपको रीट से डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों ही मिलता रहता है। रीट से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी प्रोड्यूस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नंबर 2, डिविडेंड स्टॉक्स। अब देखते हैं कि स्टॉक्स के जरिए आप कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आप ये सोचते रहते हैं कि कब इनकी कीमत बढ़े और आप इन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन स्टॉक से पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता, आप डिविडेंड इनकम से भी पैसा बना सकते हैं। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो ज्यादातर वो शेयर होल्डर्स के साथ भी इसको शेयर करती है। जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय उन स्टॉक्स पर खास ध्यान रखें जो लगातार डिविडेंड दे रहे हैं। इससे कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ आपकी पैसिव इनकम भी फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट अप इज डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। पैसिव इनकम कमाने के लिए म्यूचुअल फंड्स काफी पॉपुलर है। आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए निवेश करें, IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन प्लान चूज करें तो आपको लगातार डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा भी मिलेगा। नंबर 4, इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बाद आते हैं उसी के एक टाइप पर जो है इंडेक्स फंड्स। क्योंकि ये फंड्स किसी इंडेक्स के स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं और आप इनमें निवेश करके शेयर बाजार के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो कि पैसिवली मैनेज्ड होता है और उसी हिसाब से आपको पैसा देता है। इंडेक्स फंड्स आपके लिए पैसिव इनकम का अच्छा टूल बन सकते हैं क्योंकि आपको इसमें स्टॉक्स का रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 5 इज इंटरेस्ट इनकम। आप बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका है कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख कर भी एक तय इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे का लॉस होने का कोई खतरा नहीं होता और आप अपने पैसे से रेगुलर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज रेंटल इनकम। एक और आसान तरीका है रेंटल इनकम। आप चाहे तो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रेफरल इनकम। इसके बाद आते हैं एक ऐसे तरीके पर जहां पर आप अपने दोस्तों से बात करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। ये तरीका है रेफरल का। इसमें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी को भी किसी ऐप पर अपने अकाउंट से रेफर कर सकते हैं और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको नए कस्टमर्स रेफर करने के लिए कमीशन देते हैं। अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप रेफरल से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आपको वाउचर्स और डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करते हैं जहां पर आप अपनी स्किल्स यूज करके पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब ब्लॉगिंग। आप भी ब्लॉगिंग के जरिए लोगों तक अपने टैलेंट को पहुंचा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आप फैशन, आर्ट, लाइफस्टाइल, म्यूजिक, पॉडकास्ट, गेम्स, ट्यूटोरियल्स, डांस या और किसी फील्ड से जुड़ा कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। बस आपका कंटेंट जोरदार होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एड्स भी बढ़ेंगे और एड रेवेन्यू का एक हिस्सा आपको मिलने लगेगा। शुरुआत में इनकम कम या ना के बराबर रहेगी लेकिन समय के साथ साथ ये पैसिव इनकम का एक अच्छा जरिया बन जाता है। सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। आप चाहे तो खुद की वेबसाइट के जरिए कोर्सेज बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के बाद स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए भी आपके लिए पैसिव इनकम का रास्ता खुल सकता है। आप चाहे तो किसी और वेबसाइट पर भी अपने कोर्स बनाकर डाल सकते हैं। एक बार अगर आपने कोर्स बना दिया तो उसके बाद आपको लगातार उस पर फायदा होता रहेगा। आखिर में बात करते हैं एक साइड इनकम के तरीके की जो है फ्रीलांसिंग। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है।
आप इसमें अपनी स्किल्स जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह के जरिए पैसा कमा सकते हैं। आप इनमें से किसी भी पैसिव इनकम के तरीके को चुन सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को चुनते समय आपको अपने गोल का ध्यान रखना होगा और साथ में ये भी देखना होगा कि आप कितना पैसा और कितने समय तक के लिए उस पैसे को निवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन सब आइडियाज में से आपको कौन सा सबसे एक्साइटिंग लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।